ये रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में दो ब्रेकिंग न्यूज दिखा था। पहला न्यूज हमने ये दिखा Q2 के जो प्रीव्यू आए थे उसको लेकर के, उसके साथ ही फिच ने इसके रेटिंग को अपग्रेड करा है, इसको लेकर के दो खबर आते हुए देखी है। अगर यहाँ देखेंगे दोनों खबर को मैं बताऊं, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे टाटा स्टील शेयर इन फोकस एज फिच अप रेटिंग टू BBB, जो आउटलुक को भी स्टेबल कहा है। यहाँ इसके तीन हाईलाइट हैं, टाटा स्टील इंडियन ऑपरेशन ड्राइव ऑलमोस्ट 100% ऑफ आयरन ओर एंड 22% ऑफ कोल रिक्वायरमेंट्स टू द कंपनी माइंस। टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग कॉस्ट बेस्ड इन इंडिया ग्रांटिंग द सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड वोलेटाइल स्टील प्राइस और अंडर रेटिंग इट्स क्रेडिट प्रोफाइल। और फिच जो है उसने कंसोलिडेट सेल्स वॉल्यूम टू राइज 2% आफ्टर फेलिंग इन FY23 ड्यू टू लोअर सेल्स इन यूरोप। यहाँ देखेंगे तो फिच के द्वारा जो है टाटा स्टील के रेटिंग को अपग्रेड कराया है और टाटा स्टील के जो सब्सिडरी है, जो आर्म है, यहाँ देखेंगे ABGA इन्वेस्टमेंट, उसको भी जो है अपग्रेड करा है। तो ये फिच के तरफ से रेटिंग अपग्रेड हुआ है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो वही न्यूज जो दूसरी न्यूज थी, Q2 के वॉल्यूम जो है थोड़ा गिरते हुए दिखा, जिसके बाद स्टॉक इमीडिएट, ये एक दो दिन पुराना न्यूज है, स्टॉक में 2% की गिरावट दिखी। इसको चाहे तो आप इन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं। टाटा स्टील यूरोप सॉ प्रोडक्शन ग्रोथ, यूरोप के जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ दिखे हैं और यूरोप हमेशा ड्रैगिंग रहा है, इस समय थोड़ा बहुत सपोर्ट यूरोप के दिख रहे हैं। जो डिलीवरी है वो भी बेटर दिख रहा है। टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा वीकनेस तो आ चुका है, पिछले 1 मंथ के जो ट्रेंड है वो वीक है, जबकि पिछले 1 ईयर और 6 मंथ में स्टॉक ने आउट परफॉर्म करे हैं। यहाँ अगर कंपनी के RSI को देखेंगे तो 56 के आसपास का है और टेक्निकल ट्रेंड देखें तो जो लोअर प्राइस का जो ट्रेंड रहा था, यहाँ देखेंगे 104 के आसपास के प्राइस से स्टॉक ने लगभग 30% तक के रिटर्न्स दिए हैं। इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन बरते हैं। दो मेजर सपोर्ट है, पहला सपोर्ट यहाँ ये देखेंगे तो ये लगभग 120 के आसपास का है और दूसरा सपोर्ट जो है नियर अराउंड ये 112, यानी दो सपोर्ट 112 और 120 के आसपास का है। ये दो सपोर्ट पे धीरे धीरे एक्युमुलेट करें और टेक्निकली ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है, इस स्टॉक में तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक मिनिमम 132 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करे। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हैं, 132 के ऊपर ही इस स्टॉक में ये जो लेवल है मिनिमम 132 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे और एक बार 132 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो उसके बाद जो ऑल टाइम हाई स्टॉक का दिख रहा है, यहाँ देखेंगे नियर अराउंड 155 के आसपास तक का इस लेवल को भी इजीली अचीव। जिस प्रकार से ये ट्रेंड दिखा, यहाँ से थोड़ा ब्रेकडाउन के बाद अगर इस सप्लाई को ब्रेकआउट करता है तो 155-200 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं।